आप इसलिए मत पढ़ो कि अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत पैसे कमाऊंगा। ये सब बाय प्रोडक्ट है, पैसे आप में से हर एक इंसान कमाएगा, अपना घर पाल ही लेगा। इसलिए पढ़ो कि हमारे आसपास का जो सर्कल हो वो अच्छा हो। बिलीव मी, वो जिंदगी के सबसे संपूर्ण साल होंगे। पहुंच गया मैं अपना लगेज लेकर, अर्जुना भवन मिला था, पहुंच गया, H1 था और रूम नंबर था 103 और उसमें क्या ट्रिपल सीटिंग अलाउड होती है, मतलब शुरू शुरू में जब आप जाते हो तो आपको ट्रिपल सीटर मिलेगा, मतलब एक रूम में तीन लोग होंगे। तो मैं पहुंच गया। अच्छा, थोड़ा पहुंचते पहुंचते लेट हो गए थे बिकॉज ओरिएंटेशन थी, तो सामान वामान जमा रहे हैं, बेड नंबर भी फिक्स होता है कि कौन सा नंबर आपका है। अच्छा, हमारे साल में उस साल जो है वो कॉलेजेस में सीट्स बड़ी थी, तो उन्होंने क्या किया, ट्रिपल सीटिंग को 4 कर दिया, मतलब अब जहाँ पे तीन के लिए वो कमरा बना था उसको 4 के लिए बना दिया। तो भैया ठीक है, हमारे वहाँ 4 बेड लगे, उसके बाद में बस आप ऐसे चल के जा ही सकते हो, इतनी जगह बचती है अपने बेड से निकलकर रूम में, बस बेड से उठकर रूम से बाहर, रूम से सीधा बेड पे, इतनी जगह बचती है। तो मैं पहुंच गया भैया, 4 लोग आए हुए थे, मैं जब पहुंचा तो वहां पे 3 लोग पहले से बैठे थे, मैं लेट था, गए भैया और सामान वामान रख दिया, अपनी कबर्ड थी उसमें रख दिया, क्योंकि मुझे बेड नंबर जो मिला था उसके सामने कबर्ड थी, क्योंकि कबर्ड जिसको बोलते हो अलमीरा वो 3 ही थी, चौथी अलमीरा थोड़ी बन सकती है, बेड तो चलो आपने लगा दिया, तो एक मुझे मिली थी, वो मैंने अपना सामान रख दिया। बैठे धीरे धीरे, वो जो अब 3 थे वो पहले पहुंचे थे, वो तो भैया उनका ग्रुप बन गया था, बातें होनी स्टार्ट हो गई थी। अब मैं नया तो मैं एक तरफ बैठा था, बटन वाला मोबाइल चला रहा, फिर एक ने थोड़ी हिम्मत की, क्योंकि इंट्रोवर्ट होना भी अपने आप में थोड़ा नुकसानदायक होता है, उसने हिम्मत की, फिर पूछा, बात करते रहे, ठीक है ये वो तो लेट होते होते बात करते करते, कॉलेज का पहला दिन था, एक्साइटमेंट, मजेदार जर्नी होती है यार, वो पूरा एकदम फ्लैशबैक में आ गया। बीच में एक मोटिवेशनल लाइन बोलता हूँ, आप इसलिए मत पढ़ो कि अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत पैसे कमाऊंगा, ये सब बाय प्रोडक्ट है, पैसे आप में से हर एक इंसान कमाएगा, अपना घर पाल ही लेगा। इसलिए पढ़ो कि हमें अच्छे कॉलेज में जाना है और हमारे आसपास का जो सर्कल हो वो अच्छा हो, और वहाँ आज कॉलेज में बिलीव मी वो 4 साल आपकी जिंदगी के सबसे संपूर्ण साल होंगे, मतलब गोल्डन डेज उनको बोला जाता है यार, वो दोबारा कभी नहीं लौट के आते। तो वो मेरे को अभी फ्लैशबैक में मेमोरी में आ गए थे, एक ने मुझसे बात करनी स्टार्ट की, मैंने कहा हाँ भाई ऐसे है, तो बात करते करते लेट होते होते एक्साइटमेंट की वजह से सोई नहीं, 12 बज गए। अब घर वालों का फोन आया, मैंने बाहर जाके उठा लिया, विश हो गया, मैंने काट दिया। अंदर आया तो वो बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा अकेला महसूस हो रहा, मैंने कहा यार अब तक तो पहले उससे पहले भी हॉस्टल में थे, स्कूल वाले हॉस्टल में कोटा में थे, तो वहाँ पे तो बच्चे विश कर देते थे, आसपास दोस्त होते थे, यहाँ पर तो कोई विश नहीं कर रहा है। फिर मैंने खुद ही चल के बताया, मैं कहा आज है ना मेरा बर्थडे है। भाई साहब बर्थडे का नाम सुनते ही पहले तो मुझसे दोस्ती कितनी, आप आए हो पहले दिन कितनी दोस्ती होगी, उन्होंने मुझसे ऐसी दोस्ती निभा ली, मतलब ऐसी दोस्ती, मतलब ऐसे रिएक्ट किया, पार्टे, मैं कहा है, मैं बर्थडे विश कर दो बस इतना बहुत है, समोसा खा लेना। भाई साहब उन दिनों डोमिनोज नया नया चला था इंडिया में, अपनी आउटलेट्स खोल रहा था, बोले पिज्जा खाएंगे, मैं कहा यार ये क्या है, फिर मैंने कहा नए नए हैं क्या मना करें, मैं मना कर दूंगा तो फिर ये समझेंगे रूड है ये है वो, मैं चलो ठीक है यार कोई तो मिला, पार्टी के नाम पे दोस्त मिल रहे हैं तो भी ठीक है। तो फिर उनको मैंने कहा चलो डोमिनोज की पिज्जा मंगवाओ, तो भैया डोमिनोज की पिज्जा वीजा मंगवाए, ये पेटीएम वीटीएम उस टाइम पे होता नहीं था ऑनलाइन, तो कैश था जो घर वालों ने पहले दिन जेब में डाल के बेचते ना बेटा ये ले ठीक है, इससे अपने खर्चा चलाना महीने का, वो महीने का खर्चा 90% उस दिन निपट गया था। मैं कहा है पीछे बचे 1,005 रुपए, मैं कहा है हाँ पिज्जा सोचो कितने मंगवाए होंगे, उस टाइम पे मेरे को आइडिया था नहीं, तो मैं से पूछा पिज्जा, मैं अपने पिज्जा के नाम पे सिर्फ पिज्जा ही जानते थे, वो बोला चीज बस मंगवाते हैं, मैं पिज्जा की कोई वैरायटी होगी मुझे क्या पता, उसमें चीज ठूसते हैं और महंगा हो जाता है, मैं मंगवा ले भाई चीज बस मंगवा ले, फिर बोले चीज बस भी एक नहीं तू कौन सा खाएगा, वो आपस में तीनों डिसाइड कर रहे हैं तू कौन सा खाएगा, मैं कर रहे मुझसे भी कोई पूछ लो मेरे पैसे लगेंगे मैं कौन सा खाऊंगा। दूसरे मुझसे पूछा कि तू कौन सा खाएगा, मैंने कहा मैं तो पिज्जा खाऊंगा, अरे बोले पिज्जा में ही वैरायटी बता, ज्यादा कुछ बोला नहीं उसको पता था पैसे यही देगा, मैं कहा पिज्जा में वैरायटी मतलब पिज्जा अच्छा होना चाहिए, हाँ सब्जियां वज्जियां उस पे ज्यादा ना हो, बोले ठीक है तू ऑनियन खाना, मैं ठीक है। भाई साहब मंगवा लिए, अब मैं देख रहा हूँ पिज्जा आ भी गए खा भी लिए खाई जा रहे हैं, और मेरे को तो टेंशन शुरू होगी मैं पूरा महीना निकालूंगा कैसे ये पिज्जा वाले खाली डब्बे देख देख के। तो उस दिन फिर जश्न हुआ, पार्टी हुई, बातें हुई, सुबह हम 3:30 बजे सोए, पहले ही कॉलेज वाले दिन दोस्ती भी हो गई ठीक है, और वो दोस्ती ऐसी हुई कि आज तक चलती आ रही है। बढ़िया होता है कॉलेज वाला एटमॉस्फेयर, जाइएगा एंजॉय कीजिएगा, सभी लोग पहुंचने वाले हैं। तो कोई अगर तुमसे बोले कि तुझसे ना हो पाएगा, एकदम एटीट्यूड में रहकर जवाब ऐसे दिया करो कि मैं तो कर दूंगा, तू सह नहीं पाएगा।